इस अपडेट का पीडीएफ फॉर्मेट और इमेज फाइल जो है आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे लिंक मांग सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में और इमेज फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस प्रेस रिलीज का। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 मार्च 2020 और आज के डेट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट जो है अनाउंस किया है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आइए सारे पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यू डेट जो है उसको, ये रिलेटेड है आपका इनकम टैक्स से, प्लस रिलेटेड है आपका जीएसटी से यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से, और कस्टम्स से भी रिलेटेड है। यानी 9 पॉइंट्स है इनडायरेक्ट से रिलेटेड और 6 पॉइंट्स है आपका डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। तो पॉइंट वाइज अपने डिस्कस करते चलेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने इनकम टैक्स। नंबर वन, एक्सटेंड लास्ट डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 फ्रॉम 31 मार्च 2020 टू 30 जून 2020। जी हाँ, लास्ट डेट जो है इनकम टैक्स रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर 18-19 का एक्सटेंड हो चुका है, जो कि पहले 31 मार्च था उसे 30 जून कर दिया गया है। नंबर टू, आधार पैन लिंकिंग डेट to be extended from 31st March 2020 to 30 June 2020। जी हाँ, 30 जून तक आधार और पैन कार्ड का जो लिंकिंग का जो एक्सटेंडेड जो कट ऑफ डेट है वो कर दिया गया है आपका 30 जून 2020। नंबर थ्री, विवाद से विश्वास स्कीम का जो एडिशनल अमाउंट 10% है वो नहीं होगा इफ पेमेंट मेड बाय 30 जून 2020। यानी एडिशनल अमाउंट जो 10% आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए आपका पेमेंट जो है अगर आप 30 जून 2020 तक कर देते हैं तो कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगने वाला है, एडिशनल अमाउंट पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फोर्थ नंबर पॉइंट में कहा गया है, ड्यू डेट्स फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशंस, रिपोर्ट्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द अथॉरिटी एंड एनी कंप्लायंस बाय द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स फॉर रोल ओवर बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, एसटीटी लॉ, सीटीटी लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी लॉ, विवाद से विश्वास लॉ, वेयर द टाइम लिमिट इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th मार्च 2020 टू 29th जून 2020 शैल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020, राइट। फिफ्थ नंबर पॉइंट में कहा गया है कि फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, एसटीटी, सीटीटी मेड बिटवीन 20th मार्च 2020 एंड 30 जून 2020 रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट एट 9% इंस्टेड ऑफ 12% or 18% पर एनम, दैट इज 0.75% पर एनम इंस्टेड ऑफ 1% or 1.5% पर मंथ, राइट, विल बी चार्ज्ड फॉर दिस पीरियड। नो लेट फी और पेनाल्टी शैल बी चार्ज्ड फॉर डिले रिलेटिंग टू दिस पीरियड। नेसेसरी लीगल सर्कुलर्स एंड लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द एफोर्शेड रिलीफ शैल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो ये 6 जो है वो आपका इनकम टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट था। दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। वो सबसे पहला जो है स्टार मार्क कर लीजिए, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग GSTR-3B इन मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 विल बी एक्सटेंडेड टिल द लास्ट वीक ऑफ 30 जून 2020 फॉर दोज हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़। नो इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनाल्टी टू बी चार्ज्ड। नंबर टू, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, फॉर एनी डिलेड पेमेंट मेड बिटवीन 20th मार्च 2020 एंड 30 जून 2020 रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, करेंट इंटरेस्ट रेट इज 18% पर एनम विल बी चार्ज्ड। नो लेट फी एंड पेनाल्टी टू बी चार्ज्ड
इफ कंप्लाइड बिफोर 30 जून 2020। राइट, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है डेट फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज एक्सटेंडेड टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। फर्दर द लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर 19-20 बाय द कॉम्पोजिशन डीलर्स विल बी एक्सटेंडेड टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। फोर नंबर पॉइंट, डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 व्हिच इज ड्यू ऑन 30 मार्च 2020 इज एक्सटेंडेड टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। फाइव नंबर पॉइंट, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस नोटिफिकेशन अप्रूवल ऑर्डर सैंक्शन ऑर्डर फाइलिंग ऑफ अपील फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स applications, reports, any other documents timely for any compliance under GST laws where the time limit is expiring between 20th March 2020 to 29th June 2020 shall be extended to 30 June 2020. 6. Necessary legal circulars and legislative amendments to give effect to the aforesaid GST relief shall follow with the approval of GST Council. Number 7, payment date under Sabka Vishwas scheme shall be extended to 30 June 2020. No interest for this period shall be charged if paid by 30 June 2020. Customs related, दो important announcement है. Number 1, 24/7 custom clearance till in 30 June 2020 or due date for issue of notice, notification, approval order, sanction order, approval of appeal, filing of appeal, furnishing applications report, any other documents, etc. Timely for any compliance under the Customs Act and other allied laws where the time limit is expiring between 20th March 2020 to 29th June 2020 shall be extended to 30 June 2020. और जो financial services से related एक update है वो है relaxation for 3 months debit card holders to withdrawal cash for free from any other bank ATMs for 3 months, waiver of minimum balance fee, reduced bank charges for digital trade transactions for all trade finance consumers. Right, तो ये रहा आपका press conference जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आज के डेट में यानी कि 24th मार्च 2020 को ये जारी किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।